आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम पिवट टेबल के बारे में बात कर रहे हैं और पिवट टेबल की मदद से हम एक अटेंडेंस का रिपोर्ट तैयार करने जा रहे हैं। तो अटेंडेंस का डेटा कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो डेटा है और डेटा है इसका एक बायोमेट्रिक अटेंडेंस का है, जहां पे लोग अपना अंगूठे का निशान या कार्ड का एक्सेस करके वो पंच करते हैं ताकि उनका डोर ओपन होता है। तो उसी चीज में हम यहाँ आपके साथ बात करेंगे कि उसकी उससे पिवट के जरिए कैसे अटेंडेंस बनाया जाए। तो मेरे पास दो तरह का डेटा है। पहला डेटा जो बताता हूँ जिसमें नेम्स है और यहाँ पे स्कैन डेट है। अब इसमें क्या है कि एक डेट में कई बार स्कैन हुआ है, जैसे आप लोग ऑफिस से बार बार निकलते रहते हैं, कभी कोई मिलने आ गया, कभी सिगरेट के लिए चले गए, तो इसलिए बार बार एंट्री है। तो हमें क्या करना है कि इस पर पिवट लगाना है और ये बताना है कि जिस किसी की एक बार भी एंट्री हुई है, इट मींस वो प्रेजेंट था, हम उसकी अटेंडेंस प्रेजेंट करेंगे। तो हमने इसको सिलेक्ट करके पिवट टेबल लगाया हुआ है। पिवट टेबल लगाने के बाद आप यहाँ देखिए हमने क्या किया, हमने एक मिनट में इसको वीडियो ऑफ कर देता हूँ, प्रॉब्लम कर रहा है। हमने यहाँ पे नेम और स्कैन डेट, तो नेम को रखा रो में, तो इस तरह से रो बाई आ गए, डेट को यहाँ रखा, तो यहाँ डेट को रखने पे कुछ इस तरह से प्लस माइनस बना दें, एक ही डेट में कितना एंट्री है दिख रहा है आपको सर, माने एक बार में 12 से लेके इतना सारे लोग इतना बार बाहर निकले गए। तो हमें यहाँ पे डेट सिर्फ एक बार चाहिए, ओनली फॉर वन टाइम। तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और जाते हैं हम कहाँ पे, ग्रुप में, और ग्रुप में हम डेज को रखते हैं, बाकी मिनट सेकेंड जो है उसको यहां से रिमूव कर देते हैं। देन ओके, यहां पे हमारे सामने डेट दिख रहा है। तो हमने डेट बाई फॉर्मेट तैयार कर लिया, अब यहां पे प्रेजेंट के लिए करना है। तो हमने स्कैन डेट को रख दिया वैल्यू में और बाय डिफॉल्ट काउंट आ गया, अगर काउंट ना आए तो वैल्यू विल सेटिंग में जाके यहां पे काउंट का कर सकते हैं। अब यहां पे जहां जहां ब्लैंक्स है, ब्लैंक पे हमें क्या करना है, जीरो करना है। तो पिवट टेबल ऑप्शन पे आते हैं, यहां पे हम जीरो कर देते हैं, हम जो टोटल वगैरह है उसको भी हटा देते हैं। तो यहां टोटल फिल्टर्स में गए और हम रिमूव कर देते हैं ग्रांड टोटल ऑफ द रो एंड ग्रांड टोटल ऑफ द कॉलम, देन ओके। और यहां से इसको हम आपके सामने डेटा आ गया है, अब मेरा रिपोर्ट बन गया हुआ है। लेकिन मुझे ऐसे प्रेजेंट नहीं करना है, हमें नंबर्स नहीं, हमें यहां पे प्रेजेंट और अब्सेंट चाहिए। कैसे होगा, तो हम यूज करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग। इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और हमने यहाँ पे बट इस पे कस्टम फॉर्मेट में आ गया, नंबर फॉर्मेट या कस्टम फॉर्मेट दोनों एक ही होता है, कस्टम पे आए और यहाँ पे हमने पी कर दिया पी। तो अब देखेंगे सब पी हो गया, जो नंबर दिख रहा था सब पी हो गया। तो कस्टम फॉर्मेटिंग का रूल मैंने समझाया था आपको कि ये जो हमने दिया एक पॉजिटिव का स्थान लिया, मैं यहां सेमी कॉलन करूं इसके बाद यहां कुछ लिखूंगा तो निगेटिव का जो है निगेटिव को शो कर देगा, और एक और करूं तो थर्ड पर्सन जो होता है जीरो का होता है, तो जीरो पे हमने यहां पे ए कर दिया। तो यहां पे पॉजिटिव के लिए पी कर दिया, निगेटिव के लिए ब्लैंक छोड़ दिया, कोई निगेटिव की वैल्यू इसमें नहीं है इसलिए, एंड आफ्टर देन हमने यहां पे जीरो के लिए ए कर दिया, देन ओके। अब आप देखिए आपके सामने रिकॉर्ड्स आ गए। अटेंडेंस तैयार हो गई, समझ में आया प्रशांत जी? हाँ हाँ, आप लोगों को समझ में आया सर? राइट सर। अब
हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि इस बार मेरा डेटा तो सेम है बट इस बार इन एंड आउट को अलग कर दिया है। अब मुझे बताना है कि कौन पर्सन सबसे पहले कब आया और सबसे लास्ट में कब गया। कौन सा पर्सन सबसे पहले आया और सबसे लास्ट में गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, यहां पे इंसर्ट में आते हैं, पिवट टेबल एंड ओके करते हैं। नेम को रखते हैं रो में और इन को उठाकर रखते हैं कॉलम में। फिर भी इस तरह से आ रहा है तो हम इसको ग्रुप में जाएंगे और डेज को छोड़ के बाकी सबको रिमूव कर देंगे एंड ओके। तो यहां बन गए। अब इसमें हमें चाहिए नंबर इन एंड आउट। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिए क्या है, जो सबसे पहले स्कैन हुआ है मिनिमम, क्योंकि डेट जो आप देख रहे हैं एक्चुअली डेट डेट नहीं नंबर होता। अगर इसकी फॉर्मेटिंग में जनरल कर दूं तो नंबर है, तो सबसे कम नंबर है और सबसे ज्यादा नंबर है। तो इनको मैंने रखा यहां पे और इनको बोला मिनिमम, मतलब कि सबसे पहले कब आया, और आउट को मैंने यहां रखा और हमने कर दिया मैक्सिमम, सबसे लास्ट कब आया। लेकिन इस तरह का फॉर्मेट में है तो इसको हम टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। एक चीज और है, यहाँ पे ब्लैंक है तो ब्लैंक अब्सेंट होगा, तो पिवट टेबल ऑप्शन में इस बार डायरेक्ट में यहाँ अब्सेंट ए डाल देता हूँ, डायरेक्ट डाल देता हूँ। उसके बाद टोटल फिल्टर हटा देता हूँ, इसमें फिल्टर टोटल्स और फिर इसको सिलेक्ट किया नीचे की तरह, राइट क्लिक, पिवट टेबल वैल्यू और नहीं नहीं सही माफ कीजिएगा फॉर्मेट में करना ना, यहाँ से भी कर सकते हैं टाइम का फॉर्मेट। अब यहाँ पे अब मिन जो है उसके जगह पे हम इन लिखते रहे, इन लिखे एंटर, इन नाम का ऑलरेडी फील्ड है तो आप स्पेस दे दो, एक स्पेस दे दिया सारे इन हो गए, और मैंने यहाँ पे आउट का दे दिया सारे। ठीक है सर, और थोड़ा सा और बेटर दिखाना है तो पिवट टेबल ऑप्शन में यहाँ मर्ज वाला ऑप्शन दे दीजिए, ये आपका ऊपर मर्ज हो जाएगा। और डिजाइन में आइए और डिजाइन में आप अपने फॉर्मेट चूज कर लीजिए जो फॉर्मेटिंग आपको चाहिए। सर आप प्रशांत जी बताइए, समझ में आया आपको ये? हाँ, डाउट वगैरह नहीं है अभी। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, ये रिपोर्ट तो ठीक है चलिए ओके, बट ये रिपोर्ट जो है, ये जो पहली रिपोर्ट हमने बनाई है ये सिर्फ प्रिंट के लिए है, एक्चुअल के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पी आपको विजुअल है न कि ओरिजिनल है। ओरिजिनल तो 2 है, 3 है, 5 है, 6 है। ठीक है सर, मतलब 356 नंबर ऑफ पंचिंग जितना हो गया ये नॉट ओ द टोटल नंबर ऑफ ओ है ना। जी जी, और जिसने कार्ड पंच किया इसका मतलब उस दिन प्रेजेंट था, जिसने कार्ड पंच नहीं, राइट राइट, तो प्रेजेंट नहीं था। अब चलिए इस वाले जो डेटा हमारे हैं, ये जो हमने बनाई है रिपोर्ट, इसको एक बार कॉपी करते हैं। अब रिपोर्ट मुझे आ गई, अब पिवट में तो एक लेकिन मैं पिवट से इस डेटा को कॉपी करके एक नॉर्मल सीट पे ले आता हूं, नॉर्मल डेटा बना दिया। ठीक है, अब मुझे इसमें हर एक बात के कॉलम ऐड करना है और देना है कि क्या देना है, इसका देना है हमें ड्यूरेशन, कितना घंटा किया, मतलब कि हर एक के बाद यहां हमें एक नई कॉलम को ऐड करना है और इस पे देना है आवर। समझे सर?
तो ट्रिपिकल हो जाएगा मैनुअल करेंगे तो। सबसे पहले तो इसकी मर्ज को हटाते हैं और एक लाइन ऊपर ऐड करते हैं। यहां पे वन वन दो दो लाइन के बाद ऐड करना है और इसमें हम प्लस कर देते हैं इस पे। और इसको आगे की तरफ ड्रैग कर देता हूं। दो दो बार आ गया ना सर, इस तक है। फिर यहां नंबर को लेता हूं, एक नंबर को हम यहां से लिख देते हैं। फिर यहां छोड़ देते हैं, यहां इस पे आते हैं और देते हैं एच या आवर, और इसको पेस्ट कर। और फिर इसको हम डेटा को कहां तक है हमारा, 11 तक, 11 तक सेलेक्ट करते हैं और जाते हैं हम कस्टम शॉर्ट में और ऑप्शन में हम करते हैं लेफ्ट टू राइट और फिर यहां से हम रो वन के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर देते हैं। तो शॉर्ट करने से हुआ क्या कि हर तीन के बाद एक ब्लैंक रो यहां पे आ गया। अभी यहां हम तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं और अब इसको आगे की तरफ ड्रैग कर देते हैं तो 30 तक का डेट आराम से आ जाएगा। सॉरी एक ही आ गया, कोई बात नहीं, हम इस पर प्लस कर देते हैं। डेट आ गया। चलिए ऊपर का जो ये नंबर था वो हटा दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि हर किसी में हमें आउट माइनस इन करना है, राइट सर। एक एक करके कॉपी पेस्ट करना तो वो टिपिकल हो जाएगा। तो हमें पूरे एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं, यहां देखिए बहुत अच्छी चीज है, और हम जाते हैं यहां फाइन एंड सेलेक्ट में, गो टू स्टेशन और इसमें देते हैं ब्लैंक्स। तो जितना ब्लैंक्स था मतलब कि वो सिलेक्ट हो गया, मतलब कि वो सारे लाइन सिलेक्ट हो जहां पे हमें फॉर्मूला लगाना था। फिर हमने प्लस की इक्वल दबाया और बोला लास्ट माइनस मतलब इन माइनस आउट। और यहां पे हम नॉर्मल एंटर नहीं मारेंगे, हम मारेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल एंटर माफ कीजिएगा कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर मारने के पीछे रीजन क्या है कि एक सिलेक्टेड में अगर एक सेल में टाइप करके एंटर मारते हैं, जो सिलेक्टेड सेल है वही एंट्री होता है, लेकिन सिलेक्टेड सेल में आप कंट्रोल एंटर मारते हैं तो उसको पूरे सिलेक्टेड एरिया में कॉपी पेस्ट कर देता है। एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ए पे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि टेक्स्ट में तो माइनस होगा नहीं, तो यहाँ हम इफ एरर लगा देते हैं, इफ एरर, और हमने यहाँ पे बोला कि जहां पे होगा ए करो कंट्रोल एंटर। और फिर इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर देता हूं मैं, और कलर वलर देना है तो कलर वलर दे दीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है सर। यस सर, थोड़ा इसके फॉर्मूला में जाइए, ये जो है ना फॉर्मूला सिंपल है सर, हमने माइनस किया हुआ। इफ एरर एक फॉर्मूला होता है, वो क्या करता है कि किसी भी कैलकुलेशन या फॉर्मूले में एरर आए तो उसके जगह पे दूसरा वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देता है। और सर ए क्यों नॉमिनेट किया सर हम लोगों ने यहाँ पे, क्या हमने फॉर्मेट पे गया था, ब्लैंक था यहाँ पे ना सर, यहाँ इस दिन पंजी हुई थी ब्लैंक थी, तो हमने पिवट टेबल ऑप्शन पे गया था
और पिवट टेबल ऑप्शन में हमने ये कर दिया था ना, यहाँ से इसी पिवट टेबल में था सर, यहाँ पे ये लिख दिया था कि ब्लैंक सेल में ए लिख दिया। अब आपको अच्छी तरीके से समझ तभी आएगा जब आप उसको खुद से करेंगे। कोशिश की ट्राई कीजिए, कल हम आपके साथ वापस आएंगे और कल जो है हम पिवट टेबल में कैलकुलेशन पढ़ेंगे कि जो कैलकुलेशन है वो हम बाहर ले जाके ना करें, पिवट टेबल के अंदर ही करें, ये हम कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट हो तो कॉल कीजिए। थैंक यू।